गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग ये तो जानते होंगे कि गूगल प्ले स्टोर पर फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है, इसीलिए दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने अपने पीसी में फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर लिया है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के पीसी में अभी भी नॉर्मल फ्री फायर है या फिर नॉर्मल फ्री फायर नहीं है, वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फ्री फायर का अपडेटेड वर्जन अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखना और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों जो इम्यूलेटर ओपन है वो है BlueStack 5। आप लोग दोस्तों इसे किसी भी एमुलेटर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर दोस्तों हमें करना है क्रोम ब्राउजर को ओपन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे एरोरा स्टोर, STOR स्टोर, इतना सर्च करना है और हमारे सामने दोस्तों जो सबसे पहली साइट आए इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन दिखेगा, इस पे क्लिक करके हमें इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हम रिलोड करते हैं, ओके डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये अरोरा स्टोर यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको इंस्टॉल करते जाएंगे। सारे स्टेप आप लोग देखना कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। आप लोग सारे स्टेप देखते जाना वरना आप लोग कभी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों इसे टिक करके एक्सेप्ट कर देना है और भाई नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ग्रांट वाला जो है ये ऑप्शन है इसे क्लिक करके एलो कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है एनोनिमोस, इस पे क्लिक करना है। एनोनिमोस जो भी लिखा हुआ है दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, एक स्टोर ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है सर्च का, यहाँ पर हमें सर्च करना है फ्री फायर। और यहाँ पर दोस्तों फ्री फायर सर्च करने के बाद दोस्तों जो नॉर्मल फ्री फायर है वो हमारे सामने आ जाएगी, इस पर क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि फ्री फायर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर फ्री फायर गेम आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो तो आपकी आईडी बैन हो सकती है, कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए सस्पेंड हो सकती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग भाई अपनी जो मेन आईडी है उससे आप लोग इसे मत खेलना, जो दूसरी कोई आईडी है सिंपल सी नॉर्मल सी जिसे आप लोग यूज़ नहीं करते हो या फिर नई आईडी बना लेना उससे आप लोग इसमें ट्राई करना, उससे आप लोग दोस्तों इसमें गेम खेलना। अगर वो सस्पेंड हो जाए या बैन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो आप लोग ये कर लेना। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों काफी सारे लोग बता रहे हैं तो इस बात को आप लोग फॉलो जरूर करना। तो यहाँ पर दोस्तों सारा प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है इंस्टॉल का ऑप्शन, इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग ओपन का ऑप्शन आ गया है। अभी हम लोग दोस्तों जाते हैं होम पे और यहाँ पर दोस्तों ये जो एरोरा स्टोर है इसे हम लोग कर देंगे अनइंस्टॉल, अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और बाजू में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर है फ्री फायर मैक्स और यहाँ पर है भाई फ्री फायर नॉर्मल फ्री फायर, वो भी अपडेटेड वर्जन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि गेम स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर फुल स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये पीसी में ही है, यहाँ पर आप लोग एक्टिव विंडोज लिखा हुआ देख सकते हो नीचे की साइड में। और भाई मैंने कल ट्राई किया था लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए और मैंने अनइंस्टॉल करी थी, दोबारा से इंस्टॉल करी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी मेन आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, ओके इतना हो गया। और अभी दोस्तों फ्री फायर गेम चालू हो जाएगी नॉर्मल सी हमारी। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि फ्री फायर चालू हो चुकी है और यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे म्यूजिक को करेंगे बंद। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।